कड़ा मुकाबला था भारत और श्रीलंका के बीच में। पहले तो ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका बहुत आसानी से हार जाएगी, लेकिन जिस प्रकार से श्रीलंका ने कम बैक किया, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की उन्होंने और भारत के 6 विकेट बहुत जल्दी गिरा दिए थे। बीच में तो ऐसा भी लगने लग गया था कि हो सकता है श्रीलंका ये मैच जीत जाए, लेकिन दीपक चाहर और भुवनेश्वर कुमार ने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की और एंड में अपने पेशेंस को पकड़ के रखा और धीरे धीरे। और अब मुश्किल होता है जब लास्ट में आपको पता चले कि 7 विकेट अपने गिर चुके हैं और 3 बल्लेबाजी पीछे बचे हुए हैं, लेकिन रनर बॉल रन बनाने थे तो दीपक चाहर और भुवनेश्वर कुमार ने धीरे धीरे करते हुए आखिरी तक मैच को लेके गए और भारत को आसानी से ये मैच एंड के ओवर में जिता दिया था। तो वेल डन दीपक चाहर, क्योंकि दीपक चाहर एक बॉलर है लेकिन उन्होंने बल्लेबाजी करके भी दिखा दिया है कि उनमें भी एक पेशेंस है और वो बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। अब श्रीलंका को ये सोचना पड़ेगा क्योंकि उन्हें पूरी भारतीय टीम को आउट करना पड़ेगा तभी वो जीत पाएंगे, वरना नहीं जीत पाएंगे। तो वेल डन इंडिया, बैटिंग तो इन्होंने इतनी अच्छी नहीं की, टेलेंडर्स ने आज ये मैच जिताया है। तो टेलेंडर्स ने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी भी की, बॉलिंग भी की और उन्होंने दिखाया है कि भारत के पास डेप्थ है लोअर क्रम में। तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन था भारत का और बैड लक होप फॉर द श्रीलंका, क्योंकि उनकी भी यंग टीम ही है लेकिन उन्होंने अच्छी कोशिश की थी। और मैं यही कह सकता हूँ कि आने वाले टाइम में श्रीलंका अच्छी कम बैक करके आए और अच्छी फाइट दे इंडिया को, ताकि ये कि हमें भी पता चले कि किस प्रकार से हम जो है स्थितियों में किस प्रकार से मुकाबले को ले सकते हैं या खेल सकते हैं। तो तभी परीक्षा खिलाड़ियों का पता तभी चल पाता है जब वो डिफिकल्ट सिचुएशन में किस प्रकार से खेलते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा मौका था और दीपक चाहर ने दिखा दिया है कि उनमें डेप्थ है बल्लेबाजी में भी बॉलिंग में भी। तो ऐसे ऑलराउंडर्स की हमें ज़रूरत है जो डेप्थ में बैटिंग करना जानते हों।